हेलो एंड वेलकम टू द कॉन्सेप्ट एंड अगेन वेलकम टू मेमो सीरीज। ये लास्ट सेगमेंट है, यानी कि थर्ड सेगमेंट है विलियम थॉमसन जी का, और फर्स्ट एपिसोड का थर्ड सेगमेंट। हमने इससे पहले दो सेगमेंट पे बात कर चुका है। फर्स्ट सेगमेंट में हमने देखा कि विलियम थॉमसन जी का जो बचपन है वो कैसे उतार चढ़ाव के जरिए गुजरी है, और उसके सेकेंड सेगमेंट में हमने देखा था कि उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी रही है। और हम लोग लास्ट सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट में देखने वाले हैं कि विलियम थॉमसन को जो हम लोग फिजिसिस्ट के तौर पे, मैथमेटिशियन के तौर पे और एक इंजीनियर के तौर पे देखते हैं तो ये ऐसा क्यों। अरे उन्होंने कुछ तो इन्वेंट किया होगा ना, तभी तो हम लोग इंजीनियर के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कुछ थ्योरी दी होंगी, इन्हें हम लोग फिजिक्स के तौर पर देखते हैं, और उन्होंने इक्वेशन दी होगी जिसके लिए हम लोग मैथ के मैथमेटिशियन के रूप में जानते हैं। तो आज उसी पे बात करने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे उनका जो अवार्ड है, अचीवमेंट है, उसको पहले देखते हैं। नेचुरल फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लेसरो में ये 53 साल के लिए एज अ प्रोफेसर काम किए वहाँ पे। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, और जितना भी इन्वेंशन हुआ है इसी कार्यकाल में हुआ है। 53 साल आप अगर देखोगे तो जो एक व्यक्ति का जीवन नहीं होता है 53 साल का, इनकी प्रोफेसर लाइफ रही है 53 साल की, और एक यूनिवर्सिटी के अंदर। इन्हें कई अवार्ड दिए गए हैं, जैसे में फर्स्ट स्मिथ प्राइज 1845, रॉयल मेडल 1856, कैथ मेडल 1864, मैथेसी मेडल 1866, अल्बर्ट मेडल 1879, कॉपले मेडल 1883 और जॉन फ्रीज मेडल 1905। विलियम थॉमसन 1874, यानी कि 23 ईयर ओल्ड। जब ये 23 ईयर ओल्ड थे उस टाइम पे, इस पैदान पे वो पहुंच गए थे, मतलब साइंटिस्ट करियर की मैं बात कर रहा हूँ, उस पैदान पे पहुंच गए थे जहाँ पे अपनी मनमर्जी का कुछ वो कर सकते थे। क्या मतलब हुआ? एक होता है ना मनमर्जी इंसान, ये विलियम थॉमसन थे मनमर्जी साइंटिस्ट। इन पे किसी का दबाव नहीं होता था, और ये महज 23 ईयर ओल्ड थे उस टाइम की बात मैं कह रहा हूँ। तो ये थे विलियम थॉमसन। आप इनका सिग्नेचर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है केल्विन पीएनपी। क्या मतलब हुआ केल्विन पीएनपी का? तो केल्विन तो उनका नाम दिया गया था, और पीएनपी का मतलब होता है प्रोफेसर ऑफ नेचुरल फिलोसफी, पीएनपी, केल्विन पीएनपी। रॉयल सोसाइटी मेंबर होना एज अ साइंटिस्ट काफ़ी बड़ी उपलब्धि होती है। जैसे आप बहुत सारे साइंटिस्ट को देखते होंगे जो कि रॉयल सोसाइटी के मेंबर रह चुके हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट, जैसे आइजक न्यूटन 1672, चार्ल्स डार्विन 1839, माइकल फराडे 1824, रदरफोर्ड 1903, हमारा आपका फेवरेट श्रीनिवास रामानुजन 1918, और अल्बर्ट आइंस्टीन 1921। तो इस पैदान पे आना विलियम थॉमसन जी के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी, और ये सिर्फ छोटी उपलब्धि उनकी, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और उनकी छोटी उपलब्धि थी ये, और इसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। अब हम लोग सेगमेंट के ऐसे पार्ट को देखते हैं जहाँ पे उन्होंने इन्वेंट किया है, जिस चीज़ को हम लोग आज पढ़ते हैं। सर थॉमसन की बहुत सारी इन्वेंशन है, उसको एक ही करके हम लोग देखते हैं, हालांकि सब पे हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नंबर वन, जूल्स थॉमसन इफेक्ट। जूल्स थॉमसन इफेक्ट जो है वो जूल के द्वारा और थॉमसन द्वारा दोनों की कोलैबोरेशन में जूल्स थॉमसन इफेक्ट को इन्वेंट किया गया। ऐसी इफेक्ट जिसमें हम लोग को पता चलता है टेम्परेचर के बारे में और प्रेशर के बारे में, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग को पता चला, और इस इफेक्ट के द्वारा हम लोग को पता चला। इसकी एक्सपेरिमेंट की गई थी 1852 को, और उसी के दौरान हम लोग को ये इफेक्ट पता चला। नंबर टू, केल्विन वेल, वो जो घंटी होती है वो उनकी जो इन्वेंशन है वो केल्विन साहब ने किया था, और इसी टाइप का एक बैलेंसिंग भी होता है, केल्विन बैलेंस। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी है, वो भी इन्हीं के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे तमाम और भी नाम है जिनका इन्वेंशन डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से विलियम थॉमसन को जाता है, जैसे कि वॉय थॉमसन लॉ, केल्विन कपलिंग, केल्विन मटेरियल, केल्विन वेव, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट्स, केल्विन्स मिनिमम एनर्जी थ्योरम। और हम लोग जो है जब केल्विन के बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे थे वहीं पे हमने बताया था कि थर्मोडायनेमिक में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जैसा कि हम लोग जूल्स थॉमसन इफेक्ट के जरिए जानते हैं। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इनमें डायरेक्ट रूप से इनका योगदान नहीं रहा है, क्योंकि इनका जो इन्वेंशन है किसी और ने किया है, लेकिन इसमें भी इनडायरेक्ट रूप से इनका योगदान है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में भी इनका योगदान है,
अगर मॉडर्न फिजिक्स में इनका योगदान देखा जाए तो डार्क एनर्जी के बारे में इन्होंने बहुत सारा चीज़ बताया। हालांकि डायरेक्ट रूप से डार्क एनर्जी के बारे में नहीं, लेकिन जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ते हैं तभी आप डार्क एनर्जी को समझते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझाने में इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो ब्रीफ में हम लोगों ने समझ गया कि इनका इन्वेंशन जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किस तरह से किन किन टॉपिक पर रही है। तो विलियम थॉमसन जी का जो जर्नी है उसको हमने ब्रीफ में कवर कर दिया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखना, और नेक्स्ट वीडियो किन पे आप देखना चाहते हो एज ए इन्फॉर्मेटिव बायोग्राफी टाइप, तो वो भी आप कमेंट करके बोलना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस टाइप के जाए, उसके पास पहुँचे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए फिजिक्स, और देखना ना भूले द कॉन्सेप्ट।